जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा YouTube चैनल PS स्टडी पर। PS स्टडी चैनल पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस प्रदान की जाती हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट इशू इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं। तो करंट अफेयर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे D2M टेक्नोलॉजी। क्या है D2M टेक्नोलॉजी और इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, हर एक न्यूज़पेपर में हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति और सरकार इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें क्यों जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, D2M की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट टू मोबाइल D2M। तो आपको मोबाइल से पता चल रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं ये मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही समझा, D2M का मतलब ही है डायरेक्ट टू मोबाइल। तो देखिए, जैसा कि आप सभी अपने फ़ोन में इंटरनेट कराते होंगे और इंटरनेट कुछ लिमिटेड ही होता होगा कि आपको 1 GB, 2 GB, 1.5 GB, 2.5 GB एक दिन में मिलेगा। बट आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज़ हमें ऑनलाइन मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी स्कूल से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी ऑनलाइन ही डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। आप शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, टिकट बुकिंग जो भी कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर जो भी, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपको लिमिटेड अपना इंटरनेट मिलता है और आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट की कमी से गुजर रहे हैं। जब इंटरनेट की कमी से गुजर रहे हैं और आपकी ये बात सरकार तक पहुंच गई, सरकार ने सोचा, सरकार के पास पहुंची जब ये बात कि मेरे देशवासी इंटरनेट की समस्या से गुजर रहे हैं, तो सरकार ने इस बात पर फोकस किया और इसी को ध्यान में रखते हुए D2M टेक्नोलॉजी को सरकार लेकर आई है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, D2M का मतलब है डायरेक्ट टू होम। अब डायरेक्ट टू होम क्या, जैसे आप टीवी पर बिना इंटरनेट के जितने भी चैनल होते हैं, बहुत ज़्यादा चैनल होते हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं टीवी पर, और आप अलग अलग चैनल होते हैं, किसी पर आप न्यूज़ देखते हैं, किसी पर आप कार्टून देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, कथा भागवत सुन रहे हैं, तो अलग अलग चैनल पर अलग अलग वहां पर टॉपिक चलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम वहां पर चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा ही होने वाला है हमारे मोबाइल पर? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जिस तरह से बिना इंटरनेट के आप टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, आप इसी तरह से मोबाइल पर भी बिना इंटरनेट के ये सब देख सकेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि बिना इंटरनेट के देख लेंगे? फिर उन सारी कंपनियों का क्या होगा जिन्होंने इतना सारा स्पेक्ट्रम खरीदा है, जियो, वोडाफोन, इनका क्या होगा जो आज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, विश्व में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आ रहे हैं ये लोग, तो इनका क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा, ये भी दिक्कत की बात है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हमेशा भी नहीं चल सकता। अच्छा नहीं चल सकता और हमेशा भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सही सोचा, कभी किसी के अच्छे दिन आते हैं तो कभी किसी के बुरे दिन भी आते हैं। बट सबका अल्टरनेट है, सबका यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स? देखिए, टीवी में आप कैसे देख पाते हैं, हर एक न्यूज़ देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, तो कैसे देख पाते हैं? तो सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं कि एक ऊपर आकाश में हमारे स्पेस में सैटेलाइट लगा हुआ है, सरकार के द्वारा सैटेलाइट स्थापित किया गया है, और सरकार के द्वारा जो भी न्यूज़ मीडिया होते हैं और जो भी बाकी हमारे प्रोग्राम होते हैं वो स्पेस जो सैटेलाइट है उससे कनेक्टेड है, तो वहाँ से जो न्यूज़ है वो सैटेलाइट पे जा रही है और सैटेलाइट के द्वारा पूरे अंतरिक्ष, पूरे एनवायरमेंट में उसे विस्तारित किया जा रहा है। और जो छतरी होती है, जैसे टीवी की छतरी होती है, उसके माध्यम से वो उसे रिस्टोर करता है और फिर हमारे टीवी पर चैनल प्रोग्राम चलते हैं। तो क्या ऐसे ही होने वाला है? क्या हम फोन पर भी एक छतरी लेकर के चलेंगे हर टाइम कि भाई यहाँ पर सिग्नल आएंगे वैसे आएंगे? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, अपने टाइम पीरियड में नोटिस की होगी कि पहले, मतलब कुछ समय पहले अगर हम बात करें 8-10 साल पहले, तो क्या होता था, जो छतरी लगी होती थी वो बार बार हिल जाती थी और हमारे नो सिग्नल टीवी पर आते थे और हम प्रोग्राम नहीं देख पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर ऐसी समस्या नहीं है।
पहले क्या होता था, हर एक व्यक्ति आपको छतरी पर लगा हुआ हर टाइम मिलता ही था। मैंने तो ये चीज देखी है कि हर टाइम हमारे यहाँ पर खुद थी, तो मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ कि मतलब हर कभी भी हमारी छतरी हमारी टीम में नो सिग्नल हो जाते थे, और फिर एक बंदा है वो ऊपर भेजना पड़ता था छत पर, उस जो हमारी छतरी होती थी उसे हिलाता था, आ गए 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 सिग्नल, आ गए गए गए, 30 हैं 20 हैं 25 हैं, इस तरह से करते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये समस्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो सैटेलाइट थे वो कम थे, सैटेलाइट की संख्या पहले कम थी, लेकिन आज के टाइम पर सरकार ने हर जगह, हर ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर सैटेलाइट ना हो स्पेस में, तो आज हमें इस समस्या से गुजरना नहीं पड़ रहा है, आज हम इस समस्या से मुक्त हैं। तो ऐसा ही होने वाला है कि हमारे फोन पर भी हम बिना इंटरनेट के ये सारी चीजें देख सकेंगे। अब ये होगा कैसे फ्रेंड्स, एफएम, ठीक है, एफएम भी तो देखते हैं आप, एफएम तो बिना इंटरनेट के चलता है, कोई उसमें बिजली नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई छतरी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप एफएम पर सारी चीजें सुन लेते हैं, गाने आप सुन लेते हैं, कॉमेडी आप देख लेते हैं, हालांकि वो हमारे देखने का नहीं होता, सिर्फ सुनने का होता है, लेकिन कर तो लेते हैं आप ये सब, है ना। तो वैसे ही हमारे क्या है, फोन में होने वाला है। फोन में क्या होगा, या तो एफएम की तरह ही कोई सिस्टम किया जाएगा, अभी नहीं, अभी तो कुछ साल नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी किया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, कि जो हमारी इसमें जो फोन में छोटी सी जो मेमोरी होती है, यानी जो इसकी हार्ट बीट होती है फोन की, उसे थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा कि जो हमारे सैटेलाइट हैं उनसे जो भी न्यूज आ रही है वो उन्हें रिकवर कर सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें छतरी लेकर चलना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसमें हो सकता है एफएम की तरह, या फिर ये हो सकता है कि हमने 160 रुपए का, 150 रुपए का पूरे महीने का कराया और हम सब कुछ देख रहे हैं। ये बाध्यता नहीं रहेगी कि इतना ही इंटरनेट हमें एक दिन के लिए मिला था और वो खत्म हो गया और हम इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो ये कुछ होने वाला है। अब आपके मन में आएगा, तो मैम उनका क्या होगा जो हमारी जियो, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज हैं, जब हम इंटरनेट नहीं डलवाएंगे तो इनका क्या होगा? तो इनका भी इंटरनेट सरकार कुछ और ढूंढेगी, कॉलिंग वगैरह के लिए इनको कहा करेगी कि भाई आप कॉलिंग से कमाओ, और जो लोग जैसे छतरी वगैरह होते थे फ्रेंड्स, या फिर जिनका स्पेक्ट्रम था, ठीक है, उनको बहुत सारा लॉस हुआ, तो सरकार इनको ये सारी चीज देने वाली है, D2M के माध्यम से आप पैसा कमाओ। और जियो वोडाफोन ये जो हमारी इंटरनेट वाली हैं, इनको क्या करेगी सरकार कि भाई आप हैं वो अपना कॉलिंग वगैरह से पैसा कमाओ, इस तरह से कोई अल्टरनेट आएगा। तो आपको ये न्यूज जानकर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही था कि अच्छा रहेगा आ जाएगा तो, क्योंकि हम सभी, मैं ऑलरेडी गुजरती हूँ इस समस्या से, हालांकि अभी तो मेरे घर में वाईफाई है, बट अच्छा है आ जाएगा तो, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बस दुआ करो कि थोड़ा सा हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी से बूस्ट हो, टेक्नोलॉजी बूस्ट करनी पड़ेगी हमें इसके लिए, और कुछ नहीं, बस टेक्नोलॉजी को थोड़ा बूस्ट अप करना पड़ेगा कि ये सब पॉसिबल हो पाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।